नेक्स्ट इज द एडवोकेट्स. अब वो कहता है वो एडवोकेट इंडिविजुअल है, सीनियर एडवोकेट है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है, लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप ले रहे हैं, और आपने लिया क्या है, लीगल सर्विसेज ली है, मींस एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू वो एडवाइस हो, कंसल्टेंसी हो, असिस्टेंस हो इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ. एनी ब्रांच ऑफ लॉ समझते हैं, किसी भी लॉ, क्रिमिनल हो, सिविल हो, ट्रेडमार्क हो, कोई भी, इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेशनल. ठीक है जी, जिसमें कोई केस चल रहा है और उसे जाके अब आपको रिप्रेजेंट करना है इन एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी. सो इससे ज्यादा वाइड सर्विस की कवरेज नहीं हो सकती. ठीक है, जिसमें कहता है कि जी अब वो किसी भी तरह की एडवाइस हो, किसी भी लॉ के फील्ड से हो, अब उसमें रिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, इससे भी हम कोई लेना देना नहीं है. और ये अगर सर्विस दी गई है किसी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उसके ऊपर उस बिजनेस एंटिटी को जाके खुद टैक्स जमा करवाना पड़ेगा. Got this? तो इसका मतलब लेट अस से किसी का पर्सनल मैटर है, दो भाइयों का डिस्प्यूट हो गया और उन्होंने आपस में एडवोकेट किया और एडवोकेट को 5,00,000 रुपए पे किया, तो उस पर RCM नहीं है. ठीक है, चाहे वो दोनों भाइयों की 10-10 करोड़ की सी फॉर्म ही क्यों ना, उन दोनों के पास GST नंबर भी है, बट आपको ये देखना पड़ेगा क्या ये जो मैटर मेरे पास लेकर आए हैं, क्या ये बिजनेस एंटिटी का है, ये बिजनेस एंटिटी का नहीं है. In that case, इसके ऊपर RCM नहीं लगेगा. तो अगला क्वेश्चन आया कि सर फिर क्या इस केस के अंदर जब वो पर्सनल मैटर अपना फैमिली डिस्प्यूट लेकर आ रहे थे तो वहां पे FCM लगेगा, तो एग्जम्पशन के चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे कि वो एग्जम्प्ट है. Got this? मतलब एडवोकेट्स ने साफ मना कर दिया कि सर हम जीएसटी का काम नहीं करेंगे. ठीक है, इधर हमारे ऊपर RCM लगेगा, मतलब जो हमसे सर्विसेज ले रहे वो खुद जाके जमा करवाए, एल्स इट विल बी एग्जम्प्ट, हम नहीं जमा कर, हमने कभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है. Got this? So, एक इंडिविजुअल एडवोकेट सप्लायर हो या कोई सीनियर एडवोकेट हो या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. अब बिजनेस एंटिटी लिटिगेंट है, एप्लीकेंट है, पटिशनर है, उससे कोई लेना देना नहीं है. डीम्ड रेसिपिएंट, तो कहता है बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी हु इज द लिटिगेंट, एप्लीकेंट और द पटिशनर एज द केस मे बी शैल बी ट्रीटेड एज द पर्सन हु रिसीव्स द लीगल services for the purpose of this notification.